सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों यार, हम सभी लोग इंडिया के अंदर वेट कर रहे हैं नोकिया X6 का। और यहाँ पे जो है नोकिया ने एक और फ़ोन लॉन्च करने का सोच लिया है चाइना के अंदर, जो कि है नोकिया X5। यार X6 तो इंडिया में लाए नहीं हो, X5 अब तुमने चाइना में भी लॉन्च कर दिया, क्या कर रहे हो यार नोकिया। प्लीज़ इंडिया के अंदर ये सब फ़ोन लेके आओ, हम लोग को भी थोड़ा रिझाओ, हम लोग भी आपके फ़ोनों के ऊपर पैसा स्पेंड करेंगे, आप ही की मार्केट का शेयर बढ़ेगा। सो नोकिया ने फाइनली इस लॉन्च करने का सोच लिया है 5.1 प्लस नोकिया का स्मार्टफोन, जिसे खिलाया जा सकता है नोकिया X5 भी। एंड गाइस, ये जो स्मार्टफोन है ये चाइना के अंदर 11 जुलाई को लॉन्च हो सकता है, जो कि बहुत बड़ी ह्यूज न्यूज़ है सभी के लिए। क्योंकि गाइस, नोकिया अगर वहाँ पे लॉन्च करता है चाइना के अंदर, डेफिनेटली यार ये फ़ोन जो है इंडिया के अंदर आएगा ही, और टाइम थोड़ा लेगा लेकिन ये डेफिनेट बात ये है कि आएगा। और साथ ही साथ इसके अंदर तड़कता भड़कता एक और चीज़, मसालेदार चीज़ ये भी है कि स्मार्टफोन का प्राइस, और प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 8,800 रुपये। एंड गाइस, प्राइस की बात देखिए तो आपने 8,800 रुपये में आपको जो फ़ोन मिल रहा है ना, ये वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। सो गाइस, अगर बात करी थी स्पेसिफिकेशन की, सो गाइस इधर आपको देखने को मिलती है 5.86 इंच की एक डिस्प्ले, जो कि 19:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ आती है, और जो आपको रेजोल्यूशन देती है 720p प्लस का। सो गाइस, डिस्प्ले जो है वो TFT डिस्प्ले है, इसलिए जो कॉस्ट कटिंग यहाँ पे देख सकते हो आप थोड़ी है, लेकिन डिस्प्ले जो है इधर आपको नॉच वाली मिलती है, और सामने की तरफ में आपको बढ़िया वही वाला एस्पेक्ट रेशियो मिलता है जैसे आपको OnePlus 6, नोकिया X6 और स्मार्टफोन में मिलता है, जो कि नॉच के साथ आते हैं। सो गाइस, ये जो लुक है 8,800 के अंदर कोई भी कंपनी आपको नहीं दे सकती, जो कि नोकिया प्रोवाइड कर रही है। और ये चीज़ें यार इंडिया में जब आती, अगर आ गई, तो मैं सच बता सकता हूँ धमाका कर देगी। एंड गाइस, ये न्यूज़ है, कोई फेक न्यूज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हो गैजेट 360 के ऊपर साफ साफ मेंशन है ये सब चीज़ें। तो यार यहाँ पे हमारे को कोई दिक्कत वाली बातचीत तो है ही नहीं। गैजेट 360 NDTV की वेबसाइट है, बहुत जानी मानी वेबसाइट है यार, तो इधर कोई दिक्कत वाली बातचीत है नहीं। एंड साथ गाइस, यहाँ पे जो प्रोसेसर के ऊपर थोड़ी सी जो विचार है वो अभी यहाँ पे हमारे पूरे नहीं हुए हैं, क्योंकि प्रोसेसर का ये है कि इसमें हो सकता है शायद MediaTek का P सीरीज का कोई प्रोसेसर लाइक P60 हो सकता है इसके अंदर, हीलियो P60, या फिर स्नैपड्रैगन का कोई प्रोसेसर हो सकता है। मेरे हिसाब से स्नैपड्रैगन 630 होगा इसके अंदर अगर ये आया, या फिर 625। सो गाइस, जब ये फोन आएगा तो इसका जो मेन टारगेट होगा इंडिया के अंदर वो होगा Redmi Note 5 और Redmi का Y2 और Redmi 5 Plus, सारे ही Xiaomi के फोन है, वही टारगेट होगा नोकिया का बेसिकली मेन। तो इसलिए जो है इसके अंदर जो प्रोसेसर लगाया जाएगा वो शायद इन्हीं के लाइक मिलता जुलता कोई होगा, 636 इसके अंदर नहीं होगा, क्योंकि नोकिया X6 के अंदर 636 प्रोसेसर है, तो इसके अंदर आप वो प्रोसेसर बिल्कुल भूल जाओ, वो नहीं मिलेगा आपको। सही से यहाँ पे जो रैम एंड स्टोरेज है वो अच्छी मिल जाती है। यहाँ पे जो 3GB वाला मॉडल से स्टार्ट होता है रैम का, और 32GB स्टोरेज के साथ 4GB वाला भी आता है एक, और 6GB वाला भी आता है। तो गाइस, जो प्राइसिंग स्टार्ट है वो जैसे मैंने आपको बताया 8,800 से स्टार्ट है, जिसका आपको 3GB वाला वेरियंट देखने को मिल जाएगा उस प्राइस के अंदर। यार ये बहुत ही बढ़िया चीज़ लग रही है मेरे को। सही से जो गाइस फोन है उसके अंदर आपको ड्यूल कैमरा देखने को मिलेंगे पीछे की साइड में, जो कि अभी जो सिंगल कैमरा है उसका पता चला, जो कि प्राइमरी कैमरा होगा वो 13 मेगापिक्सल का, और जो सामने की तरफ में कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का। सो गाइस, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन इस फोन के बारे में अभी तक हमारे सामने नहीं आई है, लेकिन फोन की जो बैटरी है वो भी पता चल चुकी है, जो कि 3000 mAh की। तो यार जो फोन है यार बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है यार, और मैं चाहता हूँ पूरे दिल दो जहान से कि यार ये इंडिया में प्लीज नोकिया हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इंडिया में लॉन्च कर दो यार ये, क्योंकि हम जितने भी कस्टमर्स हैं इन फोनों को लेना बहुत जरूर लाइक अपने मन से चाहते हैं। नोकिया यार बहुत पुरानी कंपनी है, हम सब लोग उसके साथ बड़े हुए हैं, और ऐसी कंपनी अगर हमें इतना अच्छा डिवाइस लाइक देती है इस टाइम पर, तो यार क्या ये तो बहुत ही लाइक जन्नत वाली बात हो गई। सो गाइस, आप लोग बताइए नोकिया X5 के अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन के अंदर, और मैं आशा करता हूँ आप लोग को आज ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो इस वीडियो को दो एक लाइक। एंड मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी वीडियो के अंदर। टिल द टाइम, रेस्ट गाइस।